लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र की ताकत आज आपके हाथ में है, आपका एक बटन दबाना ताकत के साथ आपकी विधानसभा का भविष्य प्रदेश का भविष्य निकलता है। आलसी मत बनिए, इसको छुट्टी मत बनाइए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करें और पोलिंग बूथ में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं। सारी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर है, एक एक साथी इस गठबंधन का जो मैदान में है वो उसने पूरी 30 दिन मेहनत करी है और मैं मानता हूँ उस 30 दिन की मेहनत का निष्कर्ष अगले 7 घंटे है। अगर 7 घंटे में हम मतदाताओं को पोलिंग बूथ में लाकर वोट पोल करा सकते हैं तो बढ़ चढ़कर गठबंधन की जीत। मैं मानता हूँ पहले से ज्यादा नंबर्स के साथ गठबंधन है। वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, उनसे पूछिए, हमसे तो हमने पिछली बार भी रचा था और मैं मानता हूँ जनता का प्यार था और वही जनता का प्यार इस बार भी। पिछली बार आपने पोस्ट पोल अलायंस किया था बीजेपी के साथ, इस बार सिचुएशन बनती है तो विंडो ओपन है। आप 8 तारीख को नतीजे आने दीजिए, ये तो सारी चर्चाएं उसके बाद किसके साथ क्या नंबर्स हैं, क्या परिस्थितियां बनेगी। मैं मानता हूँ कार्यकर्ताओं की मेहनत आज 6 बजे तक है। हमारा संदेश सभी कार्यकर्ताओं को है कि 6 बजे तक आप बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए, करवाइए और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी।